पेज नंबर 26, अंकल का डायलॉग है अंकल इनायत का। यस परहैप्स इट डज, हाउएवर दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द नोबल एग्जांपल ऑफ आवर होली लास्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंकल इनायत ने कहा हाँ ऐसा ही होगा शायद, ताहम इसकी वजह यह है कि हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोबल एग्जांपल यानी उसवाए हसना को भुला दिया है, फरामोश कर दिया है। ही वुड नेवर आस्क एनीवन टू डू एनीथिंग दैट ही हिमसेल्फ वुड नॉट डू। वो कभी हुक्म नहीं देते थे किसी को ऐसा काम करने का जो काम वो खुद नहीं करते थे। ठीक है, ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज, मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स। बेटे यहां पर रिपेयर और मेंड सेम मीनिंग है, क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, मरम्मत करना, मरम्मत करना। मरम्मत करने का मतलब क्या होता है? सिलाई करना, जोड़ना, सही करना, टू फिक्स, फिक्स है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने नहीं कहा वाजिब है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है हर मुसलमान पर, सख्ती से हुक्म है इसका, सख्ती से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन खुद मरम्मत करते थे। नालैन का मतलब क्या है? जूते, जूते, चप्पलें, ठीक है ना, खुद मरम्मत करते थे। राइट, ये क्या हुआ तुम्हारी चोट लगी क्या? कोई चोट लगी आप? इन्फेक्शन हुआ, इतना खतरनाक, डर लग रहा है। मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लोथ्स, अपना लिबास खुद सीते थे, उसकी मरम्मत करते थे, सिलाई करते थे और खुद धोया करते थे, धुलाई भी खुद करते। एंड स्वेप्ट हिज रूम, अपने हुजरे की, कमरे की सफाई भी खुद फरमाया करते। यार फिर हमारी क्या औकात? जो वजह तख्लीक़े कायनात है यानी मोहम्मद ना होते खुदाई ना होती, खुदाई कहते हैं दुनिया को, मोहम्मद ना होते खुदाई ना होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होती, ये दुनिया बनी जिनके सदक़े में। वो हस्ती अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी की हस्ती है। कितनी बड़ी हस्ती, आदम ने आँख खोली तो पहला कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी अजीम हस्ती, ये महीना भी उन्हीं का है रबीउल अव्वल, कितनी बड़ी हस्ती। हमारी औकात उनके सामने, उनके पैरों की खाक भी हमसे बड़ी है, हमसे बरतर, हमसे बेहतर है, हम क्या हैं? और हम नखरे दिखाते हैं अपने कमरे की झाड़ू देते हुए, अपने काम करते हुए, और वो इतनी बड़ी हस्ती होकर अपने काम अपने हाथों से करते थे। बरा सोचो है ना, कुछ हस्तियां दुनिया में ऐसी हैं जो जो इतनी आला हस्तियां हैं कि हम तो बहुत ज़र्रे से भी छोटे हैं उनके सामने।
अगर नखरे हमारे ऐसे हैं जैसे हम वो हस्तियां हैं, है ना? सोचो जरा, व्हेन द मॉस्क वॉज बीइंग बिल्ट इन मदीना, जब मदीना में मॉस्क यानी मस्जिद की तामीर की जा रही थी, कौन सी मस्जिद? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटीरियल जस्ट लाइक ऑल अदर्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की तरह खुद अपने हाथों से मड और बिल्डिंग मटेरियल उठाया, कोई सोच सकता है? मड किसे कहते हैं? अच्छा, कीचड़ को तो कहते हैं, लेकिन जाहिर है मस्जिद कीचड़ से तो तामीर नहीं होगी। हाँ बेटा, ये चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मिट्टी होता है, मट्टी नहीं होता। मिट्टी लफ्ज है, मट्टी कोई लफ्ज नहीं है, वो मिट्टी है लफ्ज, मिटने से बना है, मट्टी नहीं है, मिट्टी है, सही लफ्ज मिट्टी है। आप होता है, मजे की बात बताता हूँ, इस लफ्ज के पीछे एक हिस्ट्री है, शायद आपने नाम सुना हो, सैयद अहमद अली शाह बुखारी। पितरस बुखारी का असल नाम है, पितरस बुखारी का नाम सुना है? बेटे उर्दू अदब में बहुत बड़ी शख्सियत, ठीक है, मिजा निगार भी थे और अदब में बड़ा मुकाम। पितरस बुखारी, उनका असल नाम था सैयद अहमद अली शाह बुखारी। दो नाम हैं, दो भाई हैं, सैयद अहमद अली शाह बुखारी और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी। जुल्फ़िकार अली शाह बुखारी जो हैं, उनको पाकिस्तान में कहते हैं जेड ए बुखारी, जेड ए बुखारी। पाकिस्तान टेलीविज़न पर खिदमत सर अंजाम दी उन्होंने, और ये जितने बड़े बड़े पुराने गुलूकार और अदाकार नज़र आते ना, इनको ढूंढ ढूंढ कर, इनकी हंटिंग करके, तलाश करके, आला से आला गुलूकार और अदाकार और फनकार ढूंढ के टेलीविज़न पे लाना और उनको मौका देना, ये जेड ए बुखारी साहब का कारनामा है। और उनके भाई अहमद अली शाह बुखारी यानी पितरस बुखारी जो थे, उन्होंने एमए इंग्लिश किया था, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से, और उर्दू के अदीब थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए किया था और वहाँ की बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी है ना, बीबीसी, हम सुना, बीबीसी की उर्दू सर्विस, रेडियो सर्विस वो चलाया करते थे, यानी बीबीसी पर उर्दू में प्रोग्राम्स किया करते थे और ख़बरें पढ़ते थे और प्रोग्राम करते थे वहाँ पर, लंदन में। तो एक बार किसी ने उन्हें ख़त लिखा कि साहब, आप एक लफ्ज़ कहते हैं मट्टी, ये गलत है, मट्टी लफ्ज़ नहीं है, मिट्टी है, मिटने से बना। जब पितरस बुखारी ने पढ़ा तो उन्होंने बीबीसी उर्दू सर्विस से रेजिग्नेशन दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। यार इतनी सी चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैं इतना नालायक था, मैं समझता था मुझे उर्दू आती है, रिज़ाइन करके आ गए वहाँ से, दोबारा उर्दू सर्विस नहीं ज्वाइन की। हो ये वाकया है इसके पीछे, इस लफ्ज़ के पीछे, तो लफ्ज़ है मिट्टी, मट्टी नहीं है, मिट्टी है। हाँ, अक्सर लोग मट्टी कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन सही लफ्ज़ अगर किसी को मालूम है तो वो है मिट्टी। चिकनी मिट्टी का गारा, गारा समझते हैं, थिक मटेरियल होता है, चिकनी मिट्टी में पानी डालकर और थोड़ा भूसा डाल के उसे गूंदा जाता है, पैरों से गूंदा जाता है, गूंदना समझते हैं, नीट किया जाता है उसे आटे की तरह, और फिर
उसको पत्थरों को उससे जोड़ा जाता है, एक के ऊपर एक रखकर, जैसे सीमेंट लगाते हैं ऐसे वो लगाई जाती है, ठीक है ना। तो वो उसे कहते हैं मड, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल क्या है? हाँ, तामीराती सामान। तो तामीराती सामान क्या होता था उस वक्त? मस्जिद नबवी जब बनाई गई है तो उसमें खजूर के तने पिलर्स की जगह खड़े कर किए जाते थे, और खजूर की जो शाखें होती ना, पत्ते, वो छत के लिए बिछाए जाते थे, और फिर पत्थर रखकर और लकड़ियां रखकर उसमें मड भर के और उसे लिपाई की जाती थी, प्लास्टर किया जाता था, तब वो बनती थी, ठीक है ना। तामीराती सामान में ये चीजें थी। अपने हाथों से उठाया, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, द बैटल ऑफ खंदक, ऐसे लिखा ना। इसे हम कहते हैं जंगे खंदक या गजवाए खंदक। गजवा भी जंग को कहते हैं, लेकिन उस जंग को जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई, गजवाए खंदक। और जिसमें खुद शिरकत नहीं फरमाई वो सीरिया कहलाता है, सीरिया, सीरिया। गजवा और सीरिया दो किस्म की जंगें हैं ना। गजवाए खंदक के दौरान ही ज्वाइंड हिज कंपेनियंस। बेटे कंपेनियन किसे कहते हैं? हाँ जी, कंपनी देने वाला, कंपेनियन। और ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? सहाबा। सिंगुलर होगा तो कहलाएगा सहाबी, ठीक है। उन्होंने अपने सहाबा के साथ मिल गए इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना। बेटा डिग का मतलब है खोदना। ट्रेंच किसे कहते हैं? खंदक को इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं। खंदक क्या होती है? सुनो भाई, मैदानी इलाका है, खुला मैदानी इलाका, इसमें आमने सामने दुश्मन जंग लड़ रहा है। मैदानी इलाका ना, हिल कहाँ से है? देखो और से सुनो, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, खुला मैदान, उधर से भी फौजें इधर भी फौजें। अब अगर जंग होगी ना तो क्या करेंगे? सुनो, जंग होगी तो क्या करेंगे? बीच में ना एक गहरी खंदक खोदेंगे, चौड़ा और गहरा गड़ा खोदेंगे, और उस गड्ढे के अंदर छुपेंगे, तो मैदान में नजर ही नहीं आएगा बीच में वो गड़ा, दूर अगर होगा तो, है ना। और उस गड्ढे में छुपे हुए फौजी भी नजर नहीं आएंगे, वहां से छुप छुप के फायर करेंगे जाएंगे, है ना। और जब दुश्मन फायर करेगा तो उसमें छुप जाएंगे। वो खंदक या ट्रेंच कहलाती है, आज भी ये तरीक़ेकार अपनाया जाता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो ने मशवरा दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप खंदक खोदें, खुदवाएं मदीने से बाहर, ताकि दुश्मन फौजों के साथ मदीने में दाखिल ना हो सके और हम खंदक में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें। ये एक नई स्ट्रेटजी दुनिया वालों को सिखाई थी मुसलमानों ने, कि जंग ऐसे भी की जाती, ठीक है ना। तो खंदक की खुदाई करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा का साथ दिया था। रुखसाना क्या कह रही है? रुखसाना है ना, रुखसाना नहीं है, रुखसाना है। वर हिज कंपेनियंस ऑल्सो लाइक हिम अंकल? अंकल क्या उनके सहाबा भी उन्हीं की तरह थे? तो अंकल इनायत ने कहा यस रुखसाना, हाँ रुखसाना। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क, न सिर्फ अपना काम किया करते थे, बट ही ऑल्सो फेच्ड वाटर फॉर विडोज एंड नेबर्स हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू डू सर्व टू डू द वर्क फॉर देम। बल्कि पानी भर के लाया करते थे। फैच, भाई देखो, कैच फैच का मतलब क्या होता है? कैच गो
for and bring. जा कर लाना.